इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं विजेता और आप देख रहे हैं 13 लाख से ज्यादा दर्शकों में अपनी पकड़ बना चुके फर्स्ट बाइट टीवी को। जिस वक्त देश और दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रही है, वहीं मेरठ के तमाम चिकित्सकों ने अपनी क्लिनिक के शटर भी डाउन कर लिए हैं। जो कुछ चिकित्सक बैठ भी रहे हैं तो उन्होंने अपनी फीस डबल कर दी है, वह भी तब जबकि महामारी के इस दौर में चिकित्सक ही भगवान के रूप में अवतरित हैं। लेकिन ऐसी तमाम विषम परिस्थिति के बीच मेरठ के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कंबोज ने अपने क्लिनिक के सारे दरवाजे रोगियों के लिए खोल दिए हैं। अपने पूरे इंतजाम के बाद वह ना सिर्फ बीमार बच्चों को देख रहे हैं बल्कि बच्चों के पेरेंट्स को कोरोना की भयावहता के प्रति जागरूक कर उन्हें दी गई सलाह का सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दे रहे हैं। उन पर अपने परिवार व दोस्तों का बराबर दबाव है कि वह भी अन्य डॉक्टरों की तरह शटर बंद कर घर में बैठे, लेकिन डॉक्टर नीरज कंबोज मानने को तैयार नहीं। फर्स्ट बाइट की टीम ने आज डॉक्टर नीरज कंबोज से बात की, आइए देखते हैं। कोरोना इस समय बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, आप उससे किस तरह से जूझ रहे हैं और ये देख रहा हूँ कि इस दौरान आप पेशेंट भी बराबर देख रहे हैं। देखो, कोरोना में जो मेन फैक्टर है वो है एजुकेटेड लोग नहीं है, जो दिल से ज्यादा दिमाग से काम नहीं करते। जितने लोग हैं उनको जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे, एजुकेशन मीन्स की जो डेस्क पे आप कठमुल्ले बिठाते हैं, जो बार बार की साहब हर चीज को हिंदू मुस्लिम से जोड़ देते हैं, तो ये एजुकेशन कम और हिंदू मुस्लिम विवाद ज्यादा पैदा करते जा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो पढ़े लिखे रिटायर्ड IAS हैं, IPS हैं, जजेस है, कमिश्नर है, जो कमिश्नर की पोस्ट से रिटायरमेंट हुआ, उन सब लोगों को मैसेज देना चाहिए ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। तो अगर छुपा के रखोगे तो इतना बड़ा ब्लास्ट करेगी कि सब मर जाओगे, और सामने आओगे तो आपको इसमें कोई मांडे पीटने वाला नहीं है। आपका प्रॉपरली क्वारंटीन होना है, अलग रखना है, 14 दिन में आप ठीक हो गए बाहर निकलेंगे। तो ये ऑप्शन बेटर है कि आप 14 दिन तक अलग, अगर आप में जो लक्षण मिलते हैं उसी को 14 दिन के लिए रख रहे हैं। तो इसका इलाज बेस्ट वे है कि हमारे पास इतने साधन नहीं है। अगर ये ब्लास्ट होता है बड़े तौर पे तो हम सब लोग ऐसा हो जाएंगे। इसका बेस्ट वे यही है कि हर आदमी अपने आप को आइसोलेट करे। पुराने जमाने में चीजों खसरा हो जाती थी, चिकन पॉक्स से आती थी, स्मॉल पॉक्स से आती थी, तो अंधेरे में बिठा देते थे, घर में छौंक भी नहीं लगता था क्योंकि छींकने से भी इन्फेक्शन स्प्रेड होता था। तो ये सारे बचाव के तरीके तो इन्हीं पर उसी पुराने पद्धति को लेके आइसोलेट करना ही इस बीमारी का एकमात्र हिंदुस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से इलाज है। अक्सर मेरठ के तमाम डॉक्टरों ने अपने शटर डाउन कर दिए हैं। मैं डॉक्टरों की इस बात से बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ। हम लोग कम्युनिटी से भी जुड़े हुए लोग हैं और आर्मी में जो आदमी जाते हैं बॉर्डर पर जो लड़ते हैं तो गोली लग सकती है, मर सकता है, उसको पहले से पता होता है। अगर ये एपिडेमिक हो गया, इमरजेंसी यही है, डॉक्टरों के लिए इससे बड़ी इमरजेंसी कोई नहीं है। अगर इमरजेंसी है आप टाई लगा लगा के भागिए तो भगोड़े कराओगे। आप लोगों को कुछ टाइम के लिए जाना चाहिए, जो लोग आपसे जुड़े हुए उनकी प्रॉब्लम का समाधान करना चाहिए। मेरा तो अपना बात यह है, बाकी दूसरे क्या करते हैं मुझे उनका कोई मतलब नहीं। आपके पास एक वर्ग विशेष से जुड़े ज्यादा पेशेंट आते हैं, उनको आप किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं या कैसे? उन सबको एक चीज कहता हूँ, पहले चीज जिसके ऊपर मास्क नहीं है उसे कान पकड़वाता हूँ, पनिशमेंट देता हूँ। दूसरी उसको समझाता हूँ कि तुम दुनिया में अकेले आए थे, अकेले जाओगे, मर जाओगे, तो गवर्नमेंट तुम्हारी डेड बॉडी को 3 लेयर में सील करके अपना जलाएगी, सर्टिफिकेट दे देगी कि तुम मर गए। अगर इन सब चीजों से बचना है, बीमारी से बचना है, तो अपने घर में, अपने मोहल्ले में किसी बाहर वाले आदमी को ना आने दें, सब लोग आइसोलेट होकर रहिए, और किसी ने अगर मस्जिदों में छिपा भी रखे तो उनको लाकर पेश करें, उनका इलाज होगा। अगर किसी को कोई सोचते हुए यातनाएं मिल रही है तो मेरा नंबर दे दो, मैं हर समय जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने पूरी उम्र बहुत काम किया,
इस खबर में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।